से निवेदन करना चाहता हूँ, आप लोकदल को वोट न दे, लोकदल के साथ ना जाकर बसपा के साथ जाए। 2022 में बसपा को मजबूत करे, आने वाले समय में बहुजन समाज पार्टी की 2022 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। तमाम पार्टी को पीछे छोड़ते हुए बहन जी बसपा आगे बढ़ रही है। सोशल मीडिया पर की जनता से कहना चाहता हूँ, सभी माता बहन छोटे बड़े भाई बसपा को वोट करे। हमारा कानून व्यवस्था बहन जी ने जो दी है उत्तर प्रदेश में, उसको कोई नहीं दे सकता पूरे उत्तर प्रदेश में। रोड बहन जी ने जितना काम किया है, बहन जी ने ही किया। बागपत में समाजवादी की सरकार रही, कोई काम नहीं किया। बीजेपी की रही, कुछ नहीं किया कोई। जय भीम। नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल कुमार और आप देख रहे हो बी मिशन टीवी यूट्यूब चैनल को। यूपी में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव पर हम ग्राउंड सर्वे कर रहे हैं और बागपत से हमारे साथ हैं राहुल गुज्जर जी, जो कि सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं, जमीनी स्तर पर भी बहुजन समाज पार्टी को मजबूती देने का काम कर रहे हैं। फिलहाल इनसे इनकी विधानसभाओं का हालचाल जानेंगे, यूपी विधानसभा चुनाव पर बातचीत करेंगे। सोशल मीडिया पर जिस तरीके से सक्रिय हैं, उस तरीके से बहुजन समाज पार्टी की सोशल मीडिया पर सक्रियता को किस नज़र से देखते हैं, सबको जानेंगे। सबसे पहले बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। कैसे हो आप? बढ़िया से। अच्छा, तो आप बागपत विधानसभा से, कौन सी विधानसभा से? बागपत बावन विधानसभा से। तो लगभग क्या माहौल लग रहा है आपकी विधानसभा का? हमारी विधानसभा बसपा जीतने जा रही है जी। 2017 में भी जब भी बसपा दूसरे नंबर पर बागपत में रही है। 2012 में ही पहली बार बसपा की सीट निकली थी। अच्छा जी, पहली बार बसपा की सीट निकली। जी जी जी। और एक फिलहाल एक और सवाल उठ रहा है कि आप गुजर समाज से आते हो, तो क्या लगता है इस बार गुजर समाज को भी बहन जी ने लगभग 3 टिकट दे दी, क्लियर कर दी? आपको कोई जानकारी है इस बारे में? नहीं जानकारी, 3 हो गए। हाँ, तो क्या सोचा बहन जी ने जब गुजर समाज के लिए 3 टिकट क्लियर करी धड़ाधड़, तो कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। बहन जी ने गुजर समाज का सम्मान किया है जी। गुजर समाज को भी बहन जी का सम्मान करना चाहिए 2022 में वोट देकर। तो आप जिन प्रत्याशियों को जिन विधानसभाओं से टिकट दिया है वहाँ पर भी और अन्य विधानसभाओं में वोट देकर बहन जी का सम्मान आप इस तरीके से चाह रहे हो? जी जी। तो क्या कुछ गुजर समाज के मान सम्मान स्वाभिमान और काफ़ी ज़्यादा बड़े महापुरुष मीर भोज की बीजेपी सरकार ने जो अपमान किया था और जो प्रतिमा के सामने जो शब्द लिखे थे, यानी अपमान किया था, बहन जी ने सीधा आरोप लगाया था कि गुजर समाज के महापुरुषों का अपमान किया बीजेपी सरकार ने, और फिर बहन जी गुजर समाज के महापुरुषों के पक्ष में और गुजर समाज के साथ खड़ी नजर आई, तो उनका ट्वीट आपने देखा होगा? जी मैंने देखा था, रीट्वीट भी किया था। बहन जी ने जो भाजपा ने गुज्जर समाज का इतिहास दबाने का काम किया, इसको गुज्जर कभी नहीं भुला पाएगा जी। और गुज्जर समाज को बहन जी के साथ रहना चाहिए। भाजपा का हमारे समाज का ही विधायक था दादरी से, वो भी गुज्जर समाज के साथ खड़ा नहीं रहा। वो भी नहीं रहा? वो भी भाजपा का विधायक था, भाजपा के साथ ही रहा। तो बहन जी ने जो भी जो सम्मान कर रही दोबारा गुज्जर समाज के महापुरुषों का, बहन जी ने ये मांग की, इस मांग से आप कितने वो इससे मैं पूरा संतुष्ट हूँ आप? तो फिलहाल आपकी विधानसभाओं का 3 जो प्रत्याशी वोट कर दिया, आपके विधानसभा का रुख किसकी तरफ जा रहा है? हमारे विधानसभा का जो रुख है हमारी और लोकदल की टक्कर है। बीएसपी बागपत विधानसभा 52 को जीतने जा रही है। जीतने जा रही है 52 को जी। लगभग कितने कितने वोट हैं, क्या है, कैसा, किसका बहुमत ज़्यादा, किस बरादरी, किस जात का? जाट समाज ज़्यादा है, दूसरे पे मुस्लिम है, तीसरे पे दलित है जी, चौथे पे गुजर है, फिर सभी बिरादरी है, तमाम बिरादरी 36 बिरादरी बागपत में। तो ज्यादातर बीएसपी तरफ जी जी। पहले नंबर पे जाट समाज के साथ है, जाट समाज है, दूसरे पे मुस्लिम है, मुस्लिम किसके साथ है? बीएसपी के साथ जाएगा, जो राष्ट्र लोकदल और समाजवादी का गठबंधन है। मुस्लिम समाज भूला नहीं है, लोकदल ने के नेताओं ने मुस्लिमों के साथ अत्याचार मुजफ्फरनगर दंगे से किया था जी, इसीलिए अब इस बार बीएसपी। मैं भी मुस्लिम समाज से निवेदन करना चाहता हूँ, आप लोकदल को वोट न दे, लोकदल के साथ ना जाकर बसपा के साथ जाए। 2022 में बसपा को मजबूत करे, आने वाले समय में बहुजन समाज पार्टी की 2022 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। तमाम लोग ये कहते हैं कि मुस्लिम बसपा का वोटर है वो कहीं नहीं जाने वाला, क्या है अब की बार भटकेगा क्या, अब की बार बसपा की तरफ जाएगा, किसकी तरफ जाएगा? समाजवादी के नेता थे आजम खान जी, उनकी भी सपोर्ट नहीं कर रहा। मुस्लिम समाज को सोच समझ कर 2022 में बीएसपी को वोट करे। बसपा दूसरे नंबर की पार्टी थी 2017 में भी, समाजवादी तीसरे नंबर की पार्टी थी। बसपा ने तो कई मुस्लिम समाज के लोग विधायक बनाए, वो राज्यसभा सांसद तमाम बनाए जी, सभी सब में राज्यसभा सांसद और उनका दली जी पे भी प्रसिद्ध
प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, मुस्लिम समाज को सम्मान दिया, बीजेपी ने मुस्लिम समाज को कोई सम्मान और समाजवादी ने नहीं दिया, बस बीएसपी ने दिया, बीएसपी ने दिया है। गुज्जर समाज को भी 8-8 मंत्रालय बीएसपी सरकार में मिले थे। अच्छा, एक और सवाल है कि जैसे कि सोशल मीडिया पर बीएसपी काफ़ी ज़्यादा सक्रिय है, आप तो काफ़ी हद से ज़्यादा हो, मैं तमाम जो आपका फेसबुक खोलूँ तो आपकी पोस्ट आती है, तो फिलहाल बीएसपी की सक्रियता को किस नज़र से देखते हो, कैसा संदेश दे रही जा रही है समाज में? अभी रीट्वीट चला था ट्विटर पर, बहन जी ने उस पर अच्छा परफॉर्म किया है, 31 लाख कुछ लोगों ने उसमें एक 3-4 घंटे में वो हुआ था उस पर रीट्वीट। 2022 में बसपा की सरकार बनने जा रही है, युवा वर्ग भटक रहा है वो भी अब बसपा के साथ आ रहा है। तमाम लोग आरोप लगाते हैं बीएसपी सोशल मीडिया पर सक्रिय नहीं, तो इस बार कैसी सक्रिय है, कितनी सक्रिय है, तमाम पार्टी पीछे छोड़ चुकी है, कैसे क्या है? तमाम पार्टी को पीछे छोड़ते हुए बहन जी बसपा आगे बढ़ रही है सोशल मीडिया पर, आने वाले समय में बेहतर हो जाएगी। जी जी, तो 2022 से चुनाव आ रहा है, समाज से प्रदेश की जनता से क्या कुछ अपील हो आपकी कोई? मैं प्रदेश की जनता से कहना चाहता हूँ, सभी माता बहन छोटे बड़े भाई बसपा को वोट करे, हमारा कानून व्यवस्था बहन जी ने जो दी है उत्तर प्रदेश में उसको कोई नहीं दे सकता पूरे उत्तर प्रदेश में। जी भाई, एक बार आपने बोला कि मैं अपील करना चाहता हूँ ये वो, बसपा को वोट दे, बसपा को क्यों वोट करे? बसपा ने जो कानून व्यवस्था 2007 से 2012 तक रहा, ऐसी कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में कोई नहीं दे सकता, कानून का राज चलता था। आज देखो 2 फुट की टुंटी पर ही, क्या नाम था उनका, अभी वो मर गया, वो मार दिया पुलिस ने, पुलिस कस्टडी में तमाम हत्या हुई, तो तमाम हत्या हुई है आगरा, तमाम आगरा में, हमारे बागपत में भी है, हर जगह, हर जिले का ये बुरा हाल है। इसमें कानून व्यवस्था सही नहीं है? नहीं नहीं, समाजवादी तो खुद भ्रष्ट थी, उनके ज्यादा है क्या कम है? ये तो दोनों ताऊ चाचा के कितने ही कर ले, कितने ही कम कर ले। चलिए, और फिलहाल अब बीएसपी को इसीलिए वोट करना, कानून व्यवस्था अच्छी थी, हर जाति को सम्मान था। दो जब बहन जी वो सीएम बनी थी, पहले महाराज जिला भी मेरठ लगता था, आदरणीय बहन जी ने बागपत जिला बनाया, बहन जी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरठ जाना पड़ता था, शाम को जाना पड़ता था, किसी का मुकदमा होता है, अब 10-15 मिनट पहले जाकर अपना काम निपटा कर आ जाते हैं। जी अच्छा, एक दिन पहले जाना पड़ता था? एक दिन पहले जाना पड़ता था मेरठ। कितने दूर है आपके बागपत? तो बीच में है सबको, 20-30 किलोमीटर के फेर में हो जाता है, सवारी मिलती है। पहले शाम के टाइम जाना पड़ता था, किसी का मुकदमा होता था मेरठ कोर्ट में। अब तो थोड़ा बहुत बहन रोड बोर्ड अच्छे हो गए, रोड, बहन जी ने जितना काम किया है, बहन जी ने ही किया बागपत में, समाजवादी की सरकार रही कोई काम नहीं किया, बीजेपी की रही कुछ नहीं किया, कोई काम नहीं हुआ, बहन जी ने किया है। हॉस्पिटल हो या जिला हो या तहसील हो, सब बहन जी ने ही, बिल्डिंग जितनी तहसील हॉस्पिटल बड़े बना वो भी बहन जी की देन है। उत्तर जी हमारे साथ बागपत बामन विधानसभा से गुजर समाज से आने वाले युवा मौजूद थे, काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं, और हमने इनसे एक सवाल किया कि बीएसपी को क्यों वोट दें, तो इन्होंने कारण भी बताया कि इसीलिए वोट दें। तो आप इनकी बातों में फिलहाल अपनी कमेंट में राय देना। आप देख रहे थे भीम मिशन टीवी यूट्यूब चैनल को, वीडियो आखिरी तक देखने के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भीम, जय भारत।